राजीव खंडेलवाल, गौहर खान, विक्टर बनर्जी और कैटरीना मुनी रोक स्टारर फिल्म फीवर बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो गई है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है राजेश झावेरी ने। आइए एक नजर डालते हैं इस फिल्म की कहानी पर। फिल्म की कहानी एक कॉन्ट्रैक्ट किलर अरमीन सलेम यानी राजीव खंडेलवाल की है, जिसकी एक एक्सीडेंट की वजह से याददाश्त चली जाती है। उसके बाद उसे सिर्फ और सिर्फ अपना नाम और एक लड़की काव्या चौधरी यानी गौहर खान के बारे में याद रहता है, जो उसे उसकी पहचान वापस दिलाने की कोशिश कर रही है। अरमीन का दिमाग कुछ और सोचता है और कदम दूसरी ओर जाने के लिए बढ़ते हैं। अब काव्या को अरमीन से प्यार हो जाता है, लेकिन कहानी में कुछ ऐसा ट्विस्ट और टर्न आता है जिसकी वजह से सब कुछ अलग होने लगता है। अब क्या अरमीन की याददाश्त आने के बाद काव्या उसे अपना बना पाएगी? क्या इस थ्रिलर फिल्म को सही अंजाम मिल पाएगा? इन सवालों के जवाब तो आपको इस फिल्म को देखने के बाद मिल ही जाएंगे। अब बात करते हैं डायरेक्शन की। फिल्म की सिलसिलेवार घटनाएं आपको आकर्षित करती हैं, लेकिन फिल्म की स्पीड काफी धीमी और कहानी कमजोर लगती है। फिल्म के डायरेक्टर राजेश झावेरी ने इस फिल्म को और ऑडियंस को एक दूसरे के साथ बांधने की पूरी कोशिश की है। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी कमाल की है। वही बात अगर एक्टिंग की जाए तो राजीव खंडेलवाल का काम काफी उम्दा है। खास तौर पर किसी इंसान के मेमोरी लॉस होने के बाद उसकी क्या हालत होती है, ये राजीव ने बेहद ही अच्छे तरीके से पेश किया है। वही गौहर खान को इस फिल्म की वजह से काफी फायदा मिल सकता है। बाकी कलाकारों ने भी अपना काम ठीक ठाक किया है। फिल्म का म्यूजिक पहले से ही हिट हो चुका है। अगर आप राजीव और गौहर खान के फैन हैं, तो फीवर फिल्म आपके लिए है। इसी तरह की मूवीज, सॉन्ग्स और ट्रेलर रिव्यूज के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए द बॉम्बे टाइम्स चैनल।